बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वेले चौधरी आशिक गुजर साहब साढ़े नाल मौजूद है ठीकरिया डेयरी फार्म के ओनर ने। तो नवे दोस्तों नूं दसते चलीए इन्हां दा फार्म लाहौर में सुंदर ते जगह सुल्तान के सुंदर राइवेंट रोड से जी मौजूद है। तो चौधरी साहब ना फार्म के उत्ते ब्रीड के उत्ते तफसीली गलबात करने हैं जी। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब साडा फिर एक दफ़ा असं शुक्रिया अदा करने कि तुसीं अपना कीमती टाइम से टाइम भी दिता, तो अपने कीमती जानवरों का शौक भी कराया जी। सर मैं भी एक दफा फिर थोड़ा मशहूर जी, बहुत मेहरबानी। तो चौधरी साहब कुछ असी जड़े ना जनरल जी गल करनियाँ, जेडे आम नवे शौकीन आ या पुराने भी आ जेन में सवालत होंगे, कोशिश करा कि असी पूछ सकी। उम्मीद करने कि तुम सली बख्श जवाब ही दवोगे अपने तजर्बे की रोशनी में। चौधरी साहब सब तो पहले तो तुसी ना सानू झोटा जिहड़ा कोई फार्म ते मौजूद होवे उहदे बारे च साडी कोई रहनुमाई करो कि की चीज़ां की पॉइंट नसल जात पात हर चीज़ अपने तजर्बे के मुताबिक। जी अब साहब इहदे च नवें दी जां पुराने दी कोई तमीज़ नहीं। ठीक है जी। जिहड़े भी दोस्त बाप आपस विच मिल के बैठ के उस सारी उम्र भावें लंघ जावे ना इहदे ते डिस्कशन होती रहती है जी, और हर दफा बंदा एक दूसरे को सीखता है जी। बिल्कुल। अच्छा झोटिया के बारे में कि साढ़े पिछले 5-7 साल तो पहले भी जोर दिता जाता कि बुल जरा वो नस्ल चेंज कर सकता है। अच्छा जी। पूरी दुनिया के भी यही है, मॉडर्न फार्मिंग भी यही है। हाँ जी। लेकिन वो ना असल जो इस्तेमाल किया जाता भी बुल ही चेंजर है। हाँ जी। वो बेसिकली AI ते होंदा ज्यादा। सही। मतलब मशीनी तरीका कार जी। मशीनी वो इस वास्ते जरूरी होंदा है कि एक बुल जड़ा ओदी लाइफ जड़ी है। हाँ जी। वो अगर समी लोग सिमत देन दी 8 साल है 7 साल है जी, ओदी चोटियां ते काफी तदाद ही चांद दे या ओदा रिजल्ट आने च टाइम लग जांदा है, ते इस जेड़े सिमत ने वो तो जाहिर प्रिजर्व होंदे ने। हाँ जी। तो वो औजारा की लखा की तादाद मौजूद है जी। बिल्कुल। वो कई दफा वो उम्र तो बाद प्रूवन होता जी। तो साढ़े चूंकि बदकिस्मती 2014 तक ये थोड़ा जहा कम हो रिसर्च सेंटर भी टीजर बुल भी बनाए गए लिया जी। बाद एक अफसर आए ने बहुत उन्होंने चाह वाले असल महकमे च मौजूद ने। अच्छा जी। लेकिन बहरहाल उन्होंने जाति पसंद ना पसंद के उन्होंने फिर नैचुरल ब्रीडिंग से जोर दे दिता। ठीक। और वो बल्कि उन्होंने झोटे तकसीम भी किए बफलो रिसर्च सेंटर। हाँ जी। जैसा कि मेरा ख्याल है कि बिला जवास से कि 500 एकड़ या 1500 एकड़ के भी हिसाब आए थे। हाँ जी। वो मंडी की शह लैन वास्ते जी जी। तो फिर कोई मज़ा तो ना आया। सही। क्योंकि वो फिर लफज इस्तेमाल होंगे गले च गल निकल गई है आम फार्मर। अच्छा मनु तो समझ नहीं आती कि ये पता नहीं इस्तलाह कितों निकल आई है। ठीक हो गया। मैं तो समझना भी हर बंदा हर फार्मर खास है। खास फार्मर सर आम तो लफज आम तो खास है ना। हाँ जी। एक दूसरे के लफज मुतजाद देखिए आम खास है। हाँ जी। अच्छा छोटा फार्मर तदाद फार्मर एनिमल के हवाले न समाल मीडियम रेंज या लार्ज स्केल वो तकसीम तो किया जा सकता जी जी। आम फार्मर की सलाह दे के तो आम फार्मर भी अगों होना। हाँ जी। मदरत नाल गल सान भी की है तो गल दूजे पास निकल। चलो चलो सब करी जाए। वो आम फार्मर भी समेत मेरे जी जी, क्योंकि मैं भी आम फार्मर हाँ जी जी। आम फार्मर का दिल करता भी मेरिया मुठियां ही कोई आके भर जाए। हाँ जी। ठीक है। सही। तो मैनू ना आके तो कोई मज तब्दील करन वास्ते ना कोई ऐसा कैप्सूल दे जावे। हाँ जी। कि वो बस एकदम चेंज हो जावे। ठीक हो गया। वो हर बंदा फिर ना आम फार्मर नूं फक्की वेचन समेत मेरे शुरू हो गए। ठीक हो गया जी। बुल सिलेक्शन दे विच हाँ जी जरूर अहमियत देनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि भाई तुसी फ्रस्ट्रेशन दे शिकार हो जाओ। ठीक। सब तो अहम चीज़ है ये कि बुल दी मां दे। अच्छा जी। ठीक है। सही। बच्चे जिन्हें भी जान गए उन्होंने उन्होंने दादी का असर नुमाया नजर आएगा। सही। ये नहीं मैं कह रहा कि बुल का प्यू नहीं देखना। हाँ जी डेफिनेटली
माँ प्यो दादी दादा नानी नाना ये तो पिछले 5-6 नसलों तक जाते हैं जी जी। लेकिन अगर इन्नी लंबी चौड़ी तुम नहीं जा सकते तो कम से कम कोई भी बुल लैन लगे कट्टा लैन लगे माँ को जरूर ठीक जी माँ की आदत हाँ जी दे माँ की इलेक्ट्रिशियन कि सही अगर और दूसरी सब तो अहम चीज़ है तो तुम बुल को बनवाना तैयार है हाँ जी यूरोपियन ने या गोरा उन्हें तो बुल के बारे पूरी रिसर्च करके कोई भी तो पता नहीं केड़ी केड़ी चीज़ बुला लिखी है तुम हर बुल की देखोगे किसी की दे माँ के दुध फैट ज़्यादा है किसी की कुछ किसी के बीच अपने आप को अगे ट्रांसफर करने की अहलियत ज़्यादा है सही वो गावं वाले हर अपनी पसंद के हिसाब न बुल सिलेक्ट करते हैं कि असी की चीज़ चेंज करनी जी जी अच्छा असी साढ़े मुल्क प्रॉब्लम है कि रिसर्च असी की को नहीं हाँ जी कम असी साढ़े को हो नहीं सकिया जी जिसे मैं भी शामिल हाँ सही असी एक बुल सिलेक्ट करना है हाँ जी उस बुल को असी पूरे फार्म दझा जड़िया ने हाँ जी वो एक्सीलेंट कर लेंगे सही जड़ा के बहुत नामुमकिन शामिल जी एक बुल किस तरह सारा कुछ कर सकता सही तुसी बॉडी स्ट्रक्चर बोन स्ट्रक्चर ते शौकीन हो हाँ जी तुसी उन्हें चेंज करना चाहते हो जी तुसी दूध वाला जड़ा कोई तुहाडी कमी वो पूरा करना चाहते हो सही तुसी उस हिसाब नाल बुल सिलेक्ट करो ठीक हो गया साढ़े च इस वक्त बुल फलाने ने बुल लै लिया वो फेल है एक ये नहीं देखते कि जिस बंदे ने बुल लैना है हाँ जी असी गड्डी लैने सानू पता मेरी की जरूरत है हाँ जी मतलब वैन है मैं हूँ कमर्शल चलाना है मेरी फैमिली बड़ी है मैं छोटी फैमिली है मेरी जेब ज़्यादा देती मैं छोटी गड्डी लैनी है मैं बड़ी लैनी है गड्डी तो मझ तो सड़े वास्ते भी सारे सारिया चीज़ा अपनी जरूरत के मुताबिक तय करनी पे ठीक हो गई उसके बीच हर बंदे की प्रायोरिटी मुख्तलिफ होंगी हाँ जी ठीक है बहुत सारे बंदे ने उन्होंने बोन या बॉडी स्ट्रक्चर नाल एडी टेंशन नहीं कहते हैं जी दूध होना चाहिए ठीक है उन्होंने तो फिर मिलकर चाहिए ना हाँ जी तो अगर एक बंदा कहता जी मैं मज का बॉडी स्ट्रक्चर खूबसूरत करना चाहना मैं सिंग बनाना चाहना मैं इस वक्त गल की है जी कि मैं 2009 दे च बादशाह साहब मनवर वाले हाँ जी उन्होंने तक बोल लिया सही उनका नाम उन्होंने भी शायद सोना रखा सी तो मैं भी फिर सोने ही रखे जी उन्हें 7-8 झोटियां आईया ने सारे का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज चेंज कर सोना सिंग सोहनिया बरीकियां सारा खूबसूरत अच्छा। एक मुस्तानी मेरे को बची है हाँ जी और शक्ल ही असी इंजी को बिगाड़ ली है कि हूँ उन्होंने तो नीली तक मनन तैयार ही नहीं ठीक हो गया गल फिर उत्थे चली है कि माँ बुल मदर जी वो बहुत जरूरी है अच्छा जी हाँ जी बुल सिलेक्शन पहले नंबर पर है ही मैं समझना पहले अस भी यही जोर देंदे रहे कि कोई चीज़ नहीं भी मिली तो वो माँ कम से कम जरूर देखनी चाहिए हाँ जी तुम अगर थन चढ़े तो शौकीन हो तो थन चढ़ा देखो सही क्योंकि ज़्यादातर झोटियाँ भी सुनदियाँ ने तो उन्होंने थन या चढ़े अपन मावं ते बहुत रेयर सड्डे ने और वो ही अच्छे सड्डे समझे जाते हैं जेडे इन चेंज कर देंगे लेकिन वो बहुत साढ़े को घट्ट है साढ़े को रिकॉर्ड कोई चीज़ या वो सीमन को नहीं यहोजी पे हाँ जी सही